हाय बच्चों, तो बच्चों अभी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वी प्रैक्टिकल की वाइवा सीरीज, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल, दैट इज टाइट्रेशन का वाइवा बच्चों। ओके, तो टाइट्रेशन का वाइवा के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो पक्का 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 आपको एग्जाम में आएंगे, वो है बच्चों पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता होती है, उसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा आंसर, ए सोल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज नोन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H2SO4। बच्चों बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी होता है एक एसिड कितने H+ छोड़ सकता है। ओके, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयंस, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयंस, तो जो कि H2SO4 में क्लियरली आप दे सकते हो कितने हैं, 2। अगर ऐसे ही आपसे जो है वो अगर H3PO4 के पूछ लेंगे तो H3PO4 के अंदर बेसिसिटी है 3। बाकी बच्चों इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा और बहुत इजी है। ये है हमारा फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन होती क्या है बच्चों? आप लोग जब स्कूल गए थे किसी कभी ना कभी आपने जरूर टाइट्रेशन जो है वो की थी, इस तरह से ब्यूरेट में आपने ब्यूरेट से आपने जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर टाइट्रेशन की थी। तो इसी प्रोसेस को टाइट्रेशन कहते हैं बच्चों, प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट टू अनदर इन द कॉनिकल फ्लास्क इन ऑर्डर टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इज कॉल्ड टाइट्रेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन वाला ये क्वेश्चन सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज इंडिकेटर? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। इंडिकेटर क्या होता है? जैसे जब आपने टाइट्रेशन ये की होगी तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक सोल्यूशन जो होता है, यहाँ पर बच्चों हम जनरली लेते हैं KMnO4 और यहाँ पर हम लेते हैं मोर सॉल्ट या फिर ऑक्जैलिक एसिड। ओके, तो जब ये चेंज होता है बच्चों, ये भी पूछ सकते हैं वैसे KMnO4 में क्या लिया था याद करो, मोर सॉल्ट में क्या लिया था, क्योंकि बच्चों देखो जब आप स्कूल गए थे तो प्रैक्टिकल आपके होने ही वाले थे और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने एक भी प्रैक्टिकल ना करा हो, तो ये कलरलेस से पिंक हो जाता था। ओके, तो इंडिकेटर क्या होता है? जहाँ पर इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ होती है जो अपना कलर चेंज करती है जब एंड पॉइंट आ जाता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल में आप दे सकते हो मिथाइल ऑरेंज, ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़े हुए हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थलीन आर दी अदर एग्जाम्पल्स। एंड पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर टाइट्रेशन को रोक देते हैं, जैसे ही कलरलेस से पिंक होता है तो हम टाइट्रेशन को रोक देते हैं, उसे एंड पॉइंट कहते हैं बच्चों। बट इसे मोलर सोल्यूशन, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मोलर सोल्यूशन क्या होता है? जिसकी मोलैरिटी 1 हो। अब कई बार क्या होता है हम इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 हो उसे बोलते हैं बेटा मोलर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड FeSO4। बच्चों FeSO4 इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द मोर सॉल्ट। ओके, तो मोर सॉल्ट जो होता है बच्चों वो बेसिकली क्या होता है, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट .6H2O, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट .6H2O, ये इसका पूरा फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है ना वो FeSO4 ही है जो रिएक्ट कर, जो ऑक्सीडाइज हो रही है। ओके, तो अब इसको जो है ना वो KMnO4 बच्चों इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फेरस सल्फेट इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 सबको पता ही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि जब आपने टाइट्रेशन की थी KMnO4 वर्सेस मोर सॉल्ट तो क्या था ऑक्सीडेज, तो क्वेश्चन पक्का आएगा 7th क्वेश्चन ये वाला पक्का आएगा बच्चों। उसके बाद 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेटर यूज इन KMnO4 टाइट्रेशन। कोई इंडिकेटर हमने ऐड ही नहीं किया था क्योंकि KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है, वो अपना ही कलर दे रहा है। एक्चुअली इंडिकेटर तब ऐड करते हैं जब दोनों ही ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि आपने HCl ले लिया और सोडियम कार्बोनेट ले लिया तो वो हम 11th में करते थे, ठीक है, या फिर ऑक्सैलिक एसिड और NaOH की करते थे। KMnO4 कैसे सेल्फ इंडिकेटर है, वही तो कह रहा हूँ बेटे आपको कि व्हेन ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट हैज बीन ऑक्सीडाइज द एक्सेस ऑफ KMnO4 इज नॉट डिकम्पोज एंड इम्पार्ट्स पिंक कलर टू द सोल्यूशन। मतलब जैसे ही रिएक्शन खत्म होगा तो KMnO4 की जो पहली बूंद आएगी, जो पहली ड्रॉप आएगी वो एक्स्ट्रा होगी और वो अपना पिंक कलर उसको दे देगी। उसके बाद बच्चों व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ KMnO4 कलरलेस टू परमानेंट लाइट पिंक। परमानेंट बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक्चुअली डिसअपेयर होता रहता है जब आप उसको स्टेयर करते थे, अब याद करो। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, 10 वाइवा क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइट्रेशन। अगर वीडियो बच्चों समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मेक केमिस्ट्री विद अनुज अरोड़ा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।
एंड डू सब्सक्राइब द चैनल केमिस्ट्री विद अनुज।